हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों GDS ग्रामीण डाक सेवा के बारे में। ओके दोस्तों, GDS का फिर से फॉर्म भरना चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो इसमें आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, और सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए समय न गंवाते हुए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आपको सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप के गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट ऑफिस GDSonline.government.in। ओके दोस्तों, जैसे इसको सर्च करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि स्पेशल विंडो इज ओपन फॉर्म 16/6/2023 से 23/6/2023 तक रजिस्ट्रेशन अप्लाइंग टू मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, स्टेट पोस्ट, ये 3-4 सर्किल के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं और सर्किल के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओके दोस्तों, उनके लिए पोस्ट क्या रहेगा, तो पोस्ट जो दोस्तों सेम रहेगा, 12,828 पोस्ट ही रहेगा। ओके दोस्तों, और कटेक्ट और एजुकेशन क्या रहेगा, तो एजुकेशन दोस्तों 10th पास रहेगा। ओके दोस्तों, कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे अभी फॉर्म भर रहे थे जो जो लग रहा था वो सारा चीज़ अभी भी लगेगा। ओके दोस्तों, ये मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा मणिपुर स्टेट के लिए। ओके दोस्तों, और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे और भी दिया है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एडिट ऑप्शन इज शेड्यूल फॉर्म 24/6/2023 से 26/6/2023 तक। आप एडिटिंग करना हो, करेक्शन करना हो, या नेम में, या डेट ऑफ बर्थ में, या एड्रेस में, तो उसको आप एडिटिंग कब कर सकते हैं, तो 24/6/2023 से 26/6/2023 तीन दिन का रहेगा उसमें डेट। ओके दोस्तों, तो अभी ये कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं ये सर्किल वाले, और साथ में आपको नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी अप्लाई का ऑप्शन नहीं खुल रहा था, अभी देखेंगे आप, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे अप्लाई का ऑप्शन है और ये पेमेंट फीस का है, ये सारे ऑप्शन आप खुल रहे हैं। यहाँ अप्लाई का जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई वाले ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। ओके दोस्तों, स्टेटस देखना चाहेंगे तो स्टेटस वाला भी ऑप्शन आप खुलने लगा है। तो सेम आपका वही प्रोसेस रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, तो मैं इसके लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं वीडियो को। ओके दोस्तों, और ये देखिए क्लिक हियर टू एंड जो दिया है, इसमें आपका एक नोटिफिकेशन दिया है, इसको भी हम आपको PDF फाइल है, इसको डाउनलोड करके दिखाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे इसको डाउनलोड क्लिक किया तो ये डाउनलोड अगेन कर रहा है, ये पहले से मेरे पास है, मैं चलिए उसको दिखाता हूँ। जैसे उस PDF फाइल को डाउनलोड किया दोस्तों, तो ये सामने आपका ऐसे दिखने लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आप यहाँ सब्जेक्ट में देख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या हुआ, प्रोविजन ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर एंगेजमेंट टू ग्रामीण डाक सेवा पोस्ट, इंक्लूजन ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर द स्टेट नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके लोकल लैंग्वेज क्या होते हैं, तो मेघालय के ये सारे लोकल लैंग्वेज हैं, त्रिपुरा का ये लोकल लैंग्वेज है, सिक्किम के ये लोकल लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज आपको होना चाहिए इस अगर सर्किल से फॉर्म भरते हैं तो। इसमें बस यही चीज़ दिया और कुछ नहीं दिया है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।